हेलो एवरीवन, आज मैं देखूंगी आप दोनों की करंट फीलिंग्स आज के दिन में क्या निकल कर आती है। तो इस डेक को मैं करूंगी दो पार्ट में डिवाइड और हम देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की तरफ, फर्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी, सेकंड कार्ड है आपकी तरफ टर्निंग इन और थर्ड कार्ड है करेज। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हैं। कुछ पावरफुल डिसीजंस या तो आपने रिसेंटली लिया है या आप लेने वाले हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया। एक पहाड़ खोदने वाली एनर्जी है, जैसे कि एक पहाड़ को चीर कर एक फ्लावर बाहर आ रहा है। अब देखिए, इतनी मेहनत करी है आपने इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बट अगर अभी भी आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने अंदर झांक रहे हैं कि आपसे कहां गलती हुई है। आपने तो सब कुछ करा इस रिलेशनशिप के लिए, बट आपसे गलती कहां हुई है, किस चीज़ की आपको सज़ा मिल रही है, किस चीज़ का आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है आपके पार्टनर के द्वारा। आप वो भी क्रिएट करना चाहते हैं, आप सब कुछ सही करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी गलती नहीं समझ में आ रही है कि आखिर आपसे गलती कहां हुई है। बहुत ज़्यादा अपने अंदर झांकते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनली बहुत अपसेट आज के दिन में आप फील कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ हैं, बैलेंस की एनर्जी में हैं, लेकिन समटाइम्स पूरे दिन में 24 आवर्स में ऐसा एक समय ज़रूर आएगा जब आप बहुत कमज़ोर फील करेंगे अपने आप को। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ क्या एनर्जी निकल कर आती है। फर्स्ट कार्ड है प्रोजेक्शन, सेकेंड कार्ड है द माइजर, थर्ड कार्ड है इंटीग्रेशन। ये नन्यांग की एनर्जी है। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना अधूरे हैं और इसका रियलाइजेशन उन्हें तब होता है जब वो आपसे दूर हो जाते हैं या हो जाती हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको ट्रेजर की तरह देखते हैं, ये आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। समटाइम्स इन्हें अपने ऊपर ही गुस्सा आता है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, आपका दिल क्यों दुखाया, आपसे क्यों डिस्टेंस बनाया। ये अपने अंदर झांकते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपसे सेपरेट होने के बाद या आपको हर्ट करने के बाद या आपको ट्रिगर देने के बाद ये आपसे भी ज़्यादा दुखी होते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन बैलेंस तभी होगा जब ये एफ़र्ट डालेंगे। तो अब ये देखना है कि आपके पार्टनर क्या एफ़र्ट डालते हैं इस रिलेशनशिप में। आप दोनों के लिए आज जो नंबर है वो है 4। यहाँ से भी 4 की एनर्जी है और यहाँ से भी 4 की एनर्जी है। तो होप कीजिए कि आने वाले 4 आवर्स या 4 डेज़ के अंदर आपके पार्टनर आपको रीच आउट करें और आपको एक्सप्रेस करें।